मोमोज ता तुसी बहुत खांदे होवोगे, पर जेकर मोमोज खान तो पहला तुहानू अपनी चेकिंग करवानी पवे ता किवें महसूस करोगे? सुन के हैरान ना होवो, धूरी च असल च अजिहा ही हो रहा है। जिथे एक दानवीर ना दा शख्स मोमोज दी रेड़ी लगाउंदा है अते इत्थे हर आउण वाले गाहक दी चेकिंग कीती जांदी है। ये चेकिंग करन वाले कोई गार्ड जां पुलिस कर्मी नहीं, ए इलाके दे नौजवान हन जो दानवीर नूं संभावी हमले तो बचाउण लई अजिहा कर रहे ने। दरअसल मोमोज दी रेड़ी लगाउण वाले दानवीर ते बीते दिन हमला हो गया सी। ये सीसीटीवी तस्वीरां जो तुसीं वेख रहे हो ये उसे हमले दियां हन। दस्या जा रहा है कि यह हमला मोमोज दा काम वखरे तौर ते दानवीर वल्लों खोले जाण कारण होया है। हमले मगरों दानवीर खौफजदा हो गया अते उसने कामकार छड़ वापस अपने सूबे जाण दा मन बना लिया। बुरी तरह नाल टुट चुके दानवीर लई इस दौरान इलाके दे लोग मदद लई अखी आए, जिन्हां ने ना सिर्फ दानवीर नूं उसकी सुरक्षा का भरोसा दिता सगों इलाके दे नौजवानों ने उस नाल उसकी रेहड़ी ते खड़ गए अते करन लगे चैकिंग हर आउण जाण वाले गाहक दी। इस संबंध विच दानवीर नाल भी गलबात कीती गई है, आओ दानवीर दे मूहों ही सुनो की है पूरा मामला। बस ये मैंने अपना अलग काम कर लिया, इस करके पीट रहे हैं। वो मुझे यादव है, वो भेजता है कि भाई इसकी रेड़ी चकवाओ, जैसे मर्जी चकवानी है। वो आके कहते भाई कब जाएगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा शहर। मैंने बोला था भाई मैं मेरी गलती बताओ, गलती क्या है? अगर गलती होगी मैं चला जाऊँगा, जैसे आप बोलोगे वैसे करूँगा जी। वो सुनते नहीं है, आते खन मारना शुरू कर देते हैं, ना पूछते ना कुछ, आते खन मारना शुरू कर देते हैं। 19 तारीख को भी मारा था एक बार, वो कस्टमर ने बचा लिया, भगा दिया मुझे। 16 तारीख को भी मारा था, उसके बाद पहले सिर फाड़ दिया था मेरा, फिर उसके बाद कुछ बस ये कहता शहर छोड़, भी कैसे छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, बस इतनी बात है। ये मैंने अपना अलग काम कर लिया। तरक्की उसे देखी नहीं जा रही थी? नहीं सर, मैंने अपना काम अलग कर लिया, मेरा काम बढ़िया चलने लगा जी। बस इस करके ये बार बार पिटवाता है जी। अच्छा, धमकी भी देता है जान से मारने की? हाँ जी, ये कहता है कि भी अगर ना गया तो उसका जिम्मेदार तू होगा, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। मैंने कमा रखा है तुझे कमाना, अभी कि मैंने जोड़ रखा है तुझे जोड़ना है, ये बोलता है। आपको जब पीटा तो आपके कहाँ कहाँ चोट आई? पहले सिर में 3 टाके आए थे और जहाँ पर कान पे आए थे जहाँ पर लगी थी चोट। उसके बाद पहले थप्पड़ मारे थे, 16 तारीख को मार्केट वाले निकले आए, उन्होंने बचा लिया जी। 19 तारीख को मेरे मार के गए, 19 तारीख को जब आँख पे अभी तक दर्द हो रहा है, लाल पड़ी है देखो जी आँख। हाँ जी, बहुत मारा था। वो कस्टमर ने थाने में भी आए थे गवाही भी देने के लिए, नंबर भी देके गए सिकरे कस्टमर जितने जिनके सामने मारा है। तो अभी समझौता हो गया आपका? हाँ जी, समझौता हो गया। लेकिन वो आगे भी भविष्य में भी आपको ऐसे पीट सकते हैं? कभी भी अगर कल को कोई भी ऐसे बिना फालतू के मुझे कोई मार के जाता है, कोई बिना वजह, मेरी बाहर किसी से दुश्मनी ही नहीं है, बस अगर कल को मेरे साथ भी कोई घटना होती है तो ये इसका जिम्मेदार ये है। हाँ जी। तो आपका परिवार भी सहमा हुआ इस घटना? हाँ जी, मैं आज तो मैंने पूरे जाने के प्लान बना लिए भाई कि मैं आज चला जाऊंगा शहर छोड़ के जी। मैंने ये सोच लिया कि भाई कहीं और कमा लूंगा खा लूंगा, जब लड़ाई से क्या फायदा जी कि कल को मेरे बच्चे को नुकसान हो जाए, जिनके लिए कमाऊंगा मैं कोई दिक्कत में आ जाए। फिर धर्मपत्नी भी घबराई हुई है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या बोलते हैं वो? वो ये कहते हैं कि हम शहरी छोड़ने में फायदा है अपना, कल को कोई दिक्कत आ जाए, कोई को मार के चला जाएगा, हम किसको पकड़ेंगे, किसको, हमारा कोई घर थोड़ी यहाँ पर के भी कल को कोई हमारा देखेगा। ना घर में कोई पापा है ना भाई है, बस घर में अकेला मैं ही हूँ कमाने का करने वाला कोई। तो आप पुलिस की कारगुजारी से खुश हैं या फिर आपको कोई शंका है कि आगे भी आपके साथ ऐसा हो सकता है? मेरे साथ मुझे ये डर लगता है कि आगे भी कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, इन पे मुझे भरोसा नहीं है कि जो एक बार में 3-4 बार पिटवा दे उसका कुछ भरोसा ना जी, वो कब कल क्या करवा दे जी। क्या मांग करते हो प्रशासन से? बस यही मांग करता हूँ जी कि मैं मुझे अपना काम करन दे, वो अपना करे, मुझे कोई दिक्कत ना। वो मुझे बाहर के लड़के भेजता है पीटने के लिए,
उनको बंद कर देगा, अभी कल को मुझे मार भी गई जान से तो मुझे कौन सा वापस दे देंगे ये। फिर मेरे घर में कम, जो मेरे दो बच्चे हैं, मेरी घर वाली है, मेरी मम्मी है, उनको कमा के कौन खिलाएगा, घर बार कौन देखेगा जी। बस यही मांग है बस के मेरा पीछे छोड़ दे, मुझे अपना काम करने दे, वो अपना करे जी। दानवीर दे बयान ते इलाके दे नौजवानों वालों दानवीर नु सुरक्षा लई किए गए इस उपराले तो बाद हुण वेखना होगा कि आखिर धूरी की पुलिस इस पूरे मामले विच की कदम चुकती है, कि पुलिस ये यकीनी बना पाएगी कि कोई भी नौजवान अपना काम निडर होके मेहनत नाल कर सकता है या नहीं। खैर ये तो आने वाला समा ही दसेगा। धूरी तो रवि शर्मा की रिपोर्ट, जगबाणी टीवी। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इस नू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।